हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रकेश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कोई बंदा आपके चैनल पे फेक स्ट्राइक देता है तो इसका रीजन क्या हो सकता है और उसको क्या क्या हर्जाना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप नोटिस करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें, कोई बंदा आपके चैनल पर फेक स्ट्राइक देता है तो इसका रीजन यह हो सकता है या आपका कोई हैकर्स है या आपका कोई हीटर्स है जो कि आपके वीडियोज को देखेगा, या कोई समाज के लोग हैं जो कि आपके वीडियोज को देख के उसे जलन होता है। दोस्तों, ऐसे लोग आपको स्ट्राइक देते हैं। ऐसे भी हो सकता है दोस्तों कि कोई बंदा आपसे पहले से वीडियोज बना रहा है और उसी कैटेगरी की वीडियोज बना रहा है जिसके कैटेगरी के आप वीडियोज बना रहे हो और उसका वीडियो वायरल नहीं होता है और आपके वीडियो वायरल हो गया, आपका चैनल अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पर कोई भी आपके हीटर्स बन जाता है और आपके चैनल पर स्ट्राइक करने को सोचता है, आपके वीडियोज पर गलत कमेंट करता है, आपके वीडियोज में वैलिडिटी चीज़ें को दिखाने की कोशिश करता है, आपके वीडियो भले ही कितना अच्छा हो वहाँ पर आपको गलत साबित करने की वो लाख प्रयास करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब क्या किया है कि मान लीजिए कि यदि आप किसी बंदे को स्ट्राइक करते वो मेल तो यूट्यूब डायरेक्टली स्ट्राइक दे देता है। उसे ये नहीं सोचता कि बंदा लीगल तरीके से स्ट्राइक दे रहा है, सही है या फेक स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक लग जाती है दोस्तों आपके चैनल पे। बट वहीं पे बात आती है दोस्तों कि यदि आपके चैनल को स्ट्राइक लग जाता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपके चैनल को कोई स्ट्राइक लग जाता है तो आपकी सीधी सी बात है कि आपको वहाँ से देखेंगे कि आप जो वीडियो पे स्ट्राइक लगा है वो वीडियो आपका है या किसी और पार्टी का। यदि वीडियो आपका है, आपने खुद का कंटेंट बनाया है और उस पर कोई बंदा स्ट्राइक कर रहा है तो आप उस पर नोटिस कीजिए। हो सकता है कि यदि जो बंदा स्ट्राइक किया हो उसे साइबर केस में पकड़ा जाए, यदि कोई क्राइम कर रहा हो अपने चैनल टर्मिनेट करने की उसे कोशिश भी हो तो फंस सकता है। दोस्तों, फंसने के बाद क्या होगा दोस्तों, उसे दिल्ली हजारी कोर्ट के जरिए उस पर FIR दर्ज होगा और वहाँ से उसके जो भी आपके चैनल को नुकसान पहुँचाया होगा, जितने आपके चैनल के हर्जाने होंगे वो बंदा से कोर्ट के जरिए जितने भी आपके हर्जाने हुए होंगे सब देने को राजी किया जाएगा और वो राजी हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि वहाँ पे एक और बात छिड़ सकती है कि उस बंदे जो बंदे ने आपके चैनल पर स्ट्राइक मारा है उसे 70 लाख रुपए तक का हर्जाना हो सकता है। दोस्तों, यदि आपका चैनल अच्छा खासा ग्रोथ में चल रहा है और वहाँ पे आपके चैनल पर स्ट्राइक 3 लाख जाता है, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है या एक भी स्ट्राइक लग जाता है और आप उसे साइबर केस के जरिए केस करते हैं और बंदा फंसता है तो आपको लीगल तरीके से आपके जितने भी नुकसान हुए होंगे वो बंदा अवश्य भरेगा, वो भले 5 लाख हो या 50 लाख हो। दोस्तों, 70 लाख रुपए तक वो बंदा को भरने का हर्जाना हो सकता है। कोर्ट जितना आदेश कर देगा उतना उसे भरना पड़ेगा दोस्तों, यानी मैक्सिमम लास्ट लिमिट है 70 लाख रुपए तक। दोस्तों, आपका यदि नुकसान हुआ होगा तो अवश्य आपको यूट्यूब के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से दिल्ली हजारी कोर्ट के जरिए 70 लाख रुपए तक का हर्जाना किसी भी बंदा को, यदि कोई भी बंदा आपके चैनल पर स्ट्राइक मारता हो वो भले कितना हो, बड़ा यूट्यूबर्स हो या छोटा यूट्यूबर्स हो, आपके कोई बड़ा यूट्यूबर्स आपके चैनल पर स्ट्राइक मारेगा नहीं, और जब मारेगा तो आपको अवश्य, यदि आप उसके वीडियोज को यूज किए हो तो मारेगा, और नहीं तो यदि आप उससे आगे निकल रहे हो और उसे देख के चलन हो रहा है तो मारेगा। तो दोस्तों, यदि आप उससे आगे निकल रहे हो और ऐसे स्थिति में आपको स्ट्राइक देता है तो आप अवश्य उसे नोटिस कीजिए और वो भी पकड़ा जाएगा और उसको भी जेल हो सकती है दोस्तों। बट यहाँ पे दोस्तों बातें आती हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर्स कोई मार रहा है तो आपके चैनल पे कोई चांसेस नहीं बनते हैं, जो कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जिनका खुद को अपना 15 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 10 मिलियन, वो लोग यदि स्ट्राइक मारे तो आप उसे नोटिस भी कीजिएगा तो यूट्यूब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। बट यदि आप उसे लीगल तरीके से पकड़ लेते हो तो उस पर दिल्ली हजारी कोर्ट के जरिए वो भी बंदा फंसेगा और उसे जो भी हर्जाना होगा वो मारने को राजी अवश्य होगा, ताकि यूट्यूब पे यदि कोई भी बंदा ऐसे पकड़ा जाता है फ्रॉड काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अवश्य लीगल तरीके से यूट्यूब कार्रवाई करता है और आप उसे के खाते को भी पहले डिलीट करेगा, साथ में उसे 70 लाख रुपये तक का हर्जाना भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों,
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मिलेगा, शांत तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।